पर जे सिंघू बॉर्डर तो संसद तक का रस्ता देखिए पैदल का तो कितने कितने 6 घंटे तक का बनता है, किमें उत्थे तक कूच किया जाऊगा पैदल? बुजुर्ग भी ने नाल उन्होंने उन्होंने ध्यान किमें रखा जाएगा? 90 साल तो उपर के बुजुर्ग भी बैठे ने, वो किमें संसद वाल कूच करेंगे या नौजवानों के हाथ उस वेले डोर फड़ाई? तैयारी किसान आगुआ भी करनी पैनी क्योंकि हो सकता है भी जो संसद वाल पहुंचण तो कहण भी हुण असीं इत्थे बैठना, हुण नहीं असीं उठदे। एक नाल ही बेनती है भी कोई असी वहीकल नहीं लैके जाना, चाहे साइकिल है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, ट्रैक्टर है, सारे असी पैदल जावे। धुप किन्नी है लगता थोनू भी 24 घंटे बैठ पाउणगे किसान? लोग अज सरपंच बन नू तैयार बैठे है, 5-5, 10-10 लाख रुपया देने तैयार बैठे, मैनू सरपंच बना दो, मैं 10 लाख दिना, तो फिर उत्थे सरकार नू पैसे देने की लोड़ है? कैप्टन साहब की अपील है जो ऐलान है पूरे भरोसे बाद नहीं लगता भी वह तसली बख्श है, पहला जिवें किसान लड़ रहे हैं उन्होंने केंद्र नाल टाकरा लेना चाहिए। पराली वाला एक जो मसला सीगा, दूसरे पास बिजली वाला जो बिल सीगा, वो कहते भी असं इनू नहीं करते, किसानों ये बाहर कर देने या असं सोध कर देने, उदो गल की हुई सी, सरकार किस गल के उत्ते मनी सी भी असं बिल नहीं लेके आवेंगे या किसानों वो बाहर रखा? सत श्री अकाल जी, तुम देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, तो मैं हाँ थोड़े नाल अनु कौड़ा। सिंघू बॉर्डर के उत्ते इस वेले मौजूद हाँ, वड्डियां जिहड़ियां कॉल्स ने दित्तियां गईयां ने, वड्डियां रणनीतियां जिहड़ियां ने दोबारा एक बार फिर तो उलीकियां गईयां ने। काका सिंह कोरड़ा जी साडे नाल मौजूद ने, जाणांगे उन्हां तों कि वड्डियां जिहड़ियां कॉल्स ने उह तां दे दित्तियां गईयां ने, पर संभव किवें हो रहियां ने क्योंकि संसद वल कूच करन दी वड्डी कॉल दित्ती गई है, मई दे पहले पखवाड़े दे विच संसद वल कूच करना है, उत्थे जाके बैठना है या फिर वापस आ जाना, यह सारिया चीज़ां तुसीं कहियां सी हले डिस्कस होणगियां, पर जे सिंघू बॉर्डर तों संसद तक का रस्ता देखिए पैदल कितने कितने 6 घंटे तक का बनता है, किमें उत्थे तक कूच किया जाऊगा पैदल? मैं काका सिंह कोरड़ा, सूबा जनरल सकत्तर भारत कनेक्टा सिद्धूपुर। देखो जिन्हें संयुक्त किसान मोर्चे ने जिन्हें भी प्रोग्राम दिते आ वो सारे ब्यौतबंदी नाल दिते आ, जिहड़ा पार्लीमेंट का जिहड़ा रस्ता है वो भावें 6 घंटिया का होवे 7 घंटिया का होवे, असीं तां जदों घरां तों तुरे आ असीं तां दिल्ली उद्दी नापी बैठे हाँ बई सानूं पता सी ट्रै ट्रालियां ते 2 दिनां दे विच पहुंचणा, असीं 2 दिनां दे विच पहुंचे हाँ, तो इवें जेकर जिहड़ा पार्लीमेंट वाला सैशन पैदल जाके जावांगे वो जदों मोर्चे दे विच 6 घंटे लग जाण 7 घंटे लग जाण, लोगों नूं शांतमय ढंग दे नाल एक अज उस नूं होर बल मिलिया है, जिहड़े कुछ सवाल उठते से भी कुछ नौजवान गलती ना करन, कुछ सिंह निंग सिंह बैठे आ वो भी ना कुछ करन, अज उन्हां नौजवानों वालों भी यह संदेह आ रहे ने बई असी संयुक्त किसान मोर्चे के जो आगू कहणगे उन्हां दे प्रोग्राम तहत मंगर चलांगे। ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘਾਟਾਂ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਉਂਤ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ 6 ਘੰਟੇ 7 ਦਾ 8 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਟ ਪਰੇਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋਊਗੀ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ KFC ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੁੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਰ ਫੜਾਈ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡੋਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ 25-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 10-10 ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਬਾਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਦਲ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਬਾਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਡੇਢ ਮਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਬਾਟ 6-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਧਰਨੇ ਆ ਇਹ ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ
किसान भी आउणगे तां जिहड़े हुणे तो उहनां नूं मील दो मील तीन मील चार मील पंज मील दी रिहर्सल कर लेनी चाहीदी आ। हजे डेट तां इह नहीं, आपदी जिहड़ी किसे दा साह चढ़दा है किसे दा नहीं चढ़दा इहदी तैयारी करके, इह तां इह लगदा वी 6-7 घंटिआं दे विच साडे खड़ने नहीं, बंदिआं ने तां 3 घंटिआं च पार कर लेनी आ। तैयारी किसान आगुआं नूं भी करनी पैणी क्योंकि हो सकदा है वी जदों संसद वल पहुंचण तां कहण वी हुण असीं इत्थे बैठणा हुण नहीं असीं उठदे। हाँ असीं तैयारी कीती है, जदों मेरे जाद है टिकरी बार्डर तों जिद्दे 26 तरीक नूं असीं तुरे हाँ, असीं 15 किलोमीटर भज के गए, असीं मूहरे सीगे 15 किलोमीटर जाके जदों असीं नाल नगोई ओ जिहड़ा स्टेशन सीगा उत्थों तक 1.5-2 घंटिआं दे विच ही पूरा कर लिया सीगा। उह कोई गल नहीं, तुरन दी वाट दी समां किन्ना लगदा है, गल इत्थे है बई सारा कुछ सानू करना क्यों पै रहा। सरकार सुती पई है, सरकार पता नहीं किस ढंग नाल किस योजना वाले नू देख रही है घोल नू, तां मैनू तां इह सलाह नू बई इहनू चुप करके ना देरी लाउण रद्द कर देणी चाहीदी है, बेहतर इहदे विच है। दूजे जिहड़े साडे प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चे दे दित्ते, असीं किसे मोर्चे दे विच गिणती भी नहीं घटी ते कोई ये सवाल भी नहीं उठाया बई तुसी जां किसे साधन का इंतजाम नहीं कर सके, जां पैदल वाला जां ट्रालियां वाला जां ट्रैक्टर वाला, लोगों ने आप ही तय करिया ते जाणगे लोग, क्योंकि जो जमीन जा रही है उदों आ चुनौतियां दा सामने करने पैंदियां। ये सरकार वालियां चुनौतियां बहुत छोटियां ने, वड्डी चुनौती ये है कारपोरेटर घराणियां नूं अडानी अबानी नूं साडियां पिंडां दे विच जिथे असी बोर्ड लगे आ थड़े लगे आ जिथे असी सांझे भाईचारा ताश खेड रहे हैं उन्होंने हमला है, लोग यह तकलीफों का सामना करनगे। हर हालत आ जिहड़ा वह मार्च असी पैदल जाके, एक नाल ही बेनती है भी कोई असी वहीकल नहीं लैके जाना, चाहे साइकिल है चाहे मोटरसाइकिल है चाहे कार है ट्रैक्टर है, सारे असी पैदल जावांगे। राशन पानी का इंतजाम फिर उत्थे किवें करोगे? राशन पानी का जिवें साडा इत्थे आ के इंतजाम हो गया इवें जेकर उत्थे हो जाणा, वह टीमां बणनगियां, वह टीमां पानी का भी इंतजाम करांगे, वह वक्खरे जाणगे साधन, पानी वाले अड्ड होणगे, राशन वाले अड्ड होणगे, चाह वाले अड्ड होणगे, वह सारा सिस्टम साडी पैदल लोकां तुरन तो बाद वक्खरा होगा। ये आने वाले दिनों सारा कुछ असी प्रेस नूं दस देंगे। तय KMP रोड है जिहड़ा वह भी जाम करना है, पूरे 24 घंटिया वास्ते हुण जाम करना है, पहला 3 घंटे वास्ते 1 घंटे वास्ते इदां जाम हुंदा सीगा पर हुण कहिंदे 24 घंटिया वास्ते करना है। गर्मी तुसीं देख सकदे हो वी किन्नी है, धुप्प किन्नी है, लगदा तुहानूं वी 24 घंटे बैठ पाउणगे किसान? देखो जिहड़े कल भी प्रोग्राम हजे इक उदों 10 तरीक तो 5 वाला प्रोग्राम पिया, अज असीं खुश हो रहे हैं इस गल तों बई लोग समझ चुके ने, चेतन हो चुके आ। अज साढ़े 10 पिंडां दे विच पंजाब दे विच मीटिंगां होईयां ते उह साडियां भैणां ने मीटिंगां कीतियां, वह भैणां ने मीटिंगां करके फैसला कर लिया भी इन्हां इंस्पैक्टरां दा FCI दा कराओ असीं करांगे, तां सानूं संसा ही नहीं रहा भी असीं वर्करां दी ड्यूटी लावांगे बई उत्थे गिणती ना घट जाए। तां इक मैनूं इहो जिहा भी लग्गिया भी साढ़े तां उन्होंने परसों दा कल दा टेंट लाता, हजे कल नूं असीं उह कराओ करना है, तां उह गेट ते टेंट लाई बैठियां साडियां भैणां, तां इह उसनूं कामयाब करांगे। जिहड़ा KMP वाला 24 घंटे वाला प्रोग्राम वह भी असी मुकम्मल उहदे असी ऐलान भी किया भी जिहड़े साडे नौजवान जिहड़े बजुर्ग जिहड़े किसान इस मोर्चां दे विच बैठे आ वह इत्थे रहणगे, वड्डी गिणती दे विच लोक 24 घंटे नूं मन के आउणगे वह वापस मुड़नगे। वह असी आप दी इधरों भारतीय किसान एकता सिद्धूपुर की असी कल मीटिंग की है टिकरी बार्डर से, वो असी आपदे सारे जिले प्रधानों सुनेहे दिते आ बई जिहड़ी फोर्स आउणी है 8 दिनां लई 10 दिनां दी 12 दिनां वह आउंदे रहे, वह एक वक्खरी फोर्स होगी, वह जिहड़ी 24 घंटे उस मोर्चा च रहूगी, कित्थे ड्यूटी लगदी है उन्हां दी हज़ारां दी गिणती विच वह आउणगे लोग, तां असी मैनूं इह लगदा वी साडी गिणती बहुत ज़्यादा होणी है। वह 24 घंटे वाला बहुत वड्डा इकट्ठ होना, यह नहीं होना भी साडी इत्थों ही मोर्चा आ के उत्थे बैठणगे। 26 तरीक नूं भी ट्रैक्टर बाहरों दी आए सी, वो खास करके 26 तरीक वास्ते ही आए सी, उस तरीके नाल इस बार भी जिहड़ा KMP हाईवे जाम करना है उहदे वास्ते बाहरों दी जिहड़े किसान ने पिंडां विचों दी आउणगे मोर्चिआं दे विचों दी कहा जा रहा है भी नहीं जाणगे। दूसरे पासे जे कानूनां दी फिर तों गल कर लईए तां कैप्टन सरकार ने जिहड़ी चिट्ठी आई सी सरकार वल्लों दी कि तुसीं सिद्धी अदायगी होऊगी उहदे लई वी बयान दे दित्ता है वी नहीं जी सिद्धी अदायगी नहीं होऊगी आड़तीआं राहीं ही अदायगी होऊगी, इहनूं किवें देखदे हो? देखो जिहड़ी सिद्धी अदायगी दी गल है, इह मसला बड़े समें दा पंजाब दे विच लटकदा आ रिहा। असी पहला ये धिरां सारियां कहिंदे रहे हैं
बई जिहड़ी किसानां दी जिनस की पेमेंट है वह किसानां नूं मिलनी चाहीदी है, पर वो कहिंदे नूं किन्ना चिर हो गया, सानूं 20 साल हो गए। असी कहा भी पहला जिहड़ी लोगों दीआं लिमटां है, लोगों के जिहड़े पैसे है, लखां दीआं करोड़ां दीआं लिमटां बणीआं पईआं, पंजाब सरकार जां केंद्र सरकार इहदे मारे लखीर नवीं खेती नीति नवीं ब्यौतबंदी बनावे, लोगों नूं करजे चों कढे। असी मजबूर तां इन्ने होए पए आ वी साडा 24 घंटे आड़ते बगैर नहीं सर रहा। अज हालात कित्थे ने, किसे बैंक नाल जुड़ना तां हजे तक साडी 50% किसानी अनपढ़ है, जिहड़ी गूठा लाउंदी है वो खाता नहीं खोल सकती। आड़तियां नाल साडा इन्ना नेड़ता बणी होई है वी भज्जे जांदे असी पैसे फड़ लैंदे आ। अज हालात यह है नहीं, इहते विचार करन दी लोड़ है। समां नंघा लिया सरकारां ने, समां नंघा के अज जे उह समें दे नाल हाणी सानूं करना है लोकां नूं, तां अज केंद्र सरकार दी पंजाब सरकार दी ड्यूटी बणदी है जिन्नियां साडियां जिनसां दे भाअ घट देण करके सानूं करजाई कीता, चाहे असीं आड़तियां दे पैसे देने आ, चाहे असीं बैंकां दे देने आ, चाहे किसी को नई जमीन लोकल पिंडां दे विच देने आ, इन्हां लोकां नूं करजे तों मुक्त करन, नवीं ब्यौतबंदी बना के ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ MLA ਜਿੰਨੇ MP ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ MLA ਆ ਜਾਓ, MLA ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MLA ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਫਿਰ MP ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੇਕਾ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੋਝ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ MP ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 10-9 ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪੈਲਸਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ 5-5, 100, 1000 ਪੈਲਸਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 80-90 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 2500 ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ
लोगों को मूर्ख बनाने का वादा है। असी शुरू तो कहते आ रहे हैं भी कैप्टन साहब ने एक वादा किए साढ़े ना भी करजे तो मुक्त करा लोगों घर घर नौकरी देवे। दो ही गल चीज़ा बड़िया ने लखीर मारन पंजाब घर घर नौकरी दे दें फिर तो लोग मन जाएंगे भी साडा जो कुछ वादा आ जोड़ा सफर मुक्त करवाना जा सहूलत दे देनिया ये कि देर चलनिया बेच तो सारा कुछ तुम प्राइवेट रहे हो बसा चल कि रही ने एक टू टाइम सरकारी आता है दस प्राइवेट जाते हैं तुम पाओ पहला तो टाइम पाओ सरकारी किसी जोड़े लोकल है उत्थे तो बस चल ही नहीं रही सरकारी कोई पिंडां दे विच सफर करना बुढ़िया ने सारा प्राइवेट है कि वह छड़न के टिकट असल दे विच एक दो चलदियां तो सौ तो छोटिया दस बसा है। कैप्टन सरकार ने किसानों के हक च की है क्योंकि लंबे समय तो जिवें तुसीं कहा भी ये मंग सीगी भी सीधी अदायगी होनी चाहिए है सीधी अदायगी होवे आड़तियां दे राही ना होवे पर इस बार गल जिहड़ी इस अंदोलन दे विचों निकली है भी सीधी अदायगी नहीं होनी चाहिए सानूं आड़तियां राही पैसा चाहिए तो इस गल दे उत्ते मोहर भी लगाती कैप्टन सरकार। देखो मोहर किस ढंग नाल लगाउंदा है उहदी पिछे नीति किपी है तो विश्वास नहीं किया जा सकता। अज साडा घोल चल रहा है कानूनां दे खिलाफ यही सारा कुछ जुड़िया होया खरीद नाल ये सिस्टम सरकार बंद कर रही है यू गलते ए तो नखेर के लिया चाहिए भी कली ये अदायगी की देने की लड़ नहीं किसानों आड़तियां करनी है जानू करनी सवाल यह है कि मंडी सिस्टम तो भज रही है सरकार इनू खत्म कर रही है एफ सी आई वो जी 20% करती खरीद पंजाब 80% दूजिया एजेंसियां खरीदनिया भी एफ सी आई खरीदू तो वो जी बधा चाहिए 50% तक घट्टो घट्ट केंद्र करे उन्हां दा बोझ भी घटे सारा कुछ है जिहड़ा लोकां नूं एक आपदी वोटिंग आड़तियां दी आपदे खाते च पाउण ते तुरे होए ने सिस्टम साडा मैनूं तां इह लगदा वी जिवें पुराना चली जांदा उवें रहण दिओ। असीं शुरू तों इह कहिंदे आ रहे हां वी जिहड़े कानून साडे हक च बणाए इहनूं उवें रहण दिओ लोड़ नहीं असीं कुछ मंग नहीं रहे सानूं कुछ तुसीं दे नहीं रहे साडा 70 सालां च कोई लुट्टिया तो इस करके साडी जिहड़ी अदायगी आ जिहड़ी साडी खरीद आ उवें जेकर चलण दिओ सानू किसानों मंडियां च ना रोलो तो इस करके जिहड़ी कैप्टन साहब की अपील है जां उहना लान है पूरे भरोसेवाद नहीं लगता भी वह तसलीबख्श है। पहला जिवें किसान लड़ रहे हैं उन्हूं केंद्र नाल टकरा लेना चाहिए बई गल की है केंद्र सरकार ने भरोसा दवाया से थोनू जो मीटिंग हुई थी केंद्र सरकार के नाल मीटिंग का सिलसिला जो चलता से पराली वाला एक जो मसला सगा दूसरे पास बिजली वाला जो बिल सगा वो कहते भी असं इनू नहीं करते किसानों ये बाहर कर दें या असं सोध कर दें उदो गल की हुई थी सरकार किस गल के उत्ते मनी सी भी असं बिल नहीं लेके आवेंगे या किसानों वो बाहर रखा ये गल मन चुकी सरकार खेती मंत्री मन चुकिया बई तुसी तिने जिहड़े बिल ने इन्हां ते गौर करो आ जिहड़े दूजे तीन मंगा ये असी मन लिया कल्ला पराली वाला भी मन लिया भी जिहड़ा प्रदूषण किसानों नूं छोड़ है उन्हां दी मजबूरी है रहिंद खूंद नूं अग लाउणी होर के इन्ने समय दे विच जिहड़ा वाहन वेला करना उहदी मजबूरी है इहनूं भी असी वापस लै लांगे। जिहड़ा 2020 बिजली वाला तां ऐटोमैटिक उह जिहड़ा समां सी उहदा लंघ चुक्किआ सी ते सरकार ने मन भी लिया भी ये असी बिल वापस लैंदे आ अज तां उह जिहड़े बिल की चर्चा करनी है वो जिहड़ी लोगों को यह गलत फहमी डाउणी भी ये असी पार्लीमेंट च लैके आ रहे हैं उहदी सरकार तैयारी कर रही है असल दे विच इह संदेहा यह देना चाहुंदी है बई किसान आगू आ तीन जिहड़े कानून बनाए आ इन्हां तों पिछे हट जाण तां सानूं कोई गल नहीं साडे उह ज्यों दे त्यों खड़े आ असी 6 मंगा मना के उठांगे जिन्ना मर्जी लै जाण जिहड़ी चीज़ उहदे मूहों निकल चुकी भी असी वापस ले ली तां दुबारे मैनूं लगदा भी उन्होंने चर्चा नहीं करनी चाहीदी वो तो 2 ऐटोमैटिक ही उन्हां दी जिहड़ा समां है वो लंघ चुक्किआ। सरकार तो हुण जदों बजट लैके आई सी उहदे विच दोनों कानून सीगे ये दोनों बिल सीगे भी असी दुबारा जिहड़ा पराली वाला भी करांगे ते बिजली वाला जिहड़ा बिल है वह भी लैके आवांगे इहदा मतलब सरकार अपने वादे तो पिछे हट रही है मीटिंगां दे विच गल कुछ हुंदी है ते उस तो बाद मुड़ के उन्हां दे बयान कुछ हुंदे ने मुड़ के फिर किस कानून लागू करता ते गल उत्थे इह भी जिद्दां सोधां दी गल हो रही सी ते जे हुण सोधां ते मन जांदे हो तां मुड़ के हो सकदा है दुबारा फिर कानून लागू कर। देखो यही तो साडा डिक्का बनिया होया जिहड़ी सोधां दी गल है सस्पेंड करन दी गल है इस गलते तो असं अड़े हुए हैं बई जेड़े साढ़े लिए है कुछ देने नहीं सरकार ने रद्द करो जी आए हजे तो समा 4 महीने होया कोई उते खजाने ते बोझ नहीं पाया सरकार ते बई साड़ी मजबूरी सी असी आ बिल दुबारे लेके आ रहे हैं लोगों कह के प्रेस दे विच कह के बई आ मंगा तो असी मन लिया ते किसान
तिने कानूनों पर सोध करने लिए तैयार हो जाए तो अज उन्हें दोबारा दोहरा रहे हैं तो इस करके दोहरा रहे हैं इस करके विश्वास नहीं किया जा सरकार से सस्पेंड पर विश्वास नहीं किया जा सकता सोधा पर विश्वास नहीं किया जा सकता ये सरकार कहती कुछ होर है करनू होर है जिन्ना चिर वो जमा पासे खाते जो रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर जो सा संघर्ष है वो जित वाल चलता रहेगा सरकार किन्ने डिक्के लावे हुण असी कल्लियां स्टेटां थोड़ियां नहीं रहियां सारे भारत के किसानां इस गल नूं जाणू हो चुके हैं हुण तां नीति ते लड़ रहे हुण सारा कुछ बेच रहे हैं असी सारा कुछ बचाउणा है ते उह सारा कुछ लागू करवा के उठांगे ते इन्हां दे सोधां ते इन्हां दे विश्वासां ते जिहड़े कैंसल कर देणे ते उहनूं दुबारा फिर गल कर लैणी मैनूं लगदा वी एदू घटिया सोच ते घटिया लोकां नाल वादा बेविश्वासी आप ही बेविश्वासी ठा लेनी लोगों तो वह मैनू लगता भी गल करनी चाहिए एडा उच्च केंद्र के मंत्री हो सारी दुनिया नू देख रही हो दोबारे गल छेड़न की तो साढ़े पिंडां दे विच जे कट हो जाए ना अगला कहिंदा यार इन्हें पर पिंड दे विच कहती गल इहनू दुबारे छेड़ो ना तो ये सरकार तो फिर तो इदू घटिया होर कोई सरकार हो नहीं सकती किसानां लई जिहड़ी बार बार गल कह के दोबारा उहनू दोहराई जांदी है सारे की संसद वल कूच करन दी है तो जिहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां गाइडलाइनस देनियां ने किवें जाना किवें नहीं रणनीति पूरी जिहड़ी तय होनी है हले मीटिंग दे विच ओह मीटिंग थोड़ी कदों है मीटिंग साडी संयुक्त किसान मोर्चे की 6 तरीक नूं हो रही है सुबह साडी उतली जिहड़ी कमेटी दी 9 बजे है 9 बजे तो 12 बजे तक 3 घंटे साडी ओह मीटिंग है उदू बाद सारी संयुक्त किसान मोर्चे की 6 तरीक नूं असीं ये सारा रणनीति तय करांगे तो डेट की भी तरीक तय करांगे ये 6 तरीक नूं मोर्चे दे विच सारा कुछ जिहड़ी पिछे जिहड़े प्रोग्राम साडे दित्ते होणगे पंज वाला ये कल नूं भी इहते भी विचार करांगे किन्ने लोग बाहर निकले किन्ने लोग अड़ती आए किन्ने लोगों का जिहड़ा कारोबार है किन्ना इहदे नाल जुड़िया वो सारा विचार करके असीं जिहड़ा मार्च कर रहे मई के महीने पार्लीमेंट वल वो तो सारी चर्चा करके असीं 6 तरीक नूं लाण भी कर देंगे डेट का बहुत धन्यवाद जी ये सके काका सिंह कोरोरा जी जिन्होंने अपनी गलबात साडे नाल सांझी कीती है कि जिहड़ियां रणनीतियां ने वो 6 तरीक नूं तय होणगियां फिर उस तों बाद तुहाडे सामने भी आउणगियां जिहड़ा ये 6 घंटे की वाट है जिहड़ी उत्थे तक जाण दी उहदे लई भी कहिंदे वी बजुर्ग जिहड़े ने उह तां तैयार है ही उहनां नूं तां बल्कि रोकणा पऊगा नौजवान जिहड़े ने उह अपने वल्लों दी तैयारी करके रखण क्योंकि हो सकदा है वी नौजवान थक जाण बजुर्ग तां नहीं थकणगे सो सारिआं दी इस वेले रणनीति जिहड़ी हैगी आ उह घड़ी होई है वी संसद वल किवें कूच करना है उस तों बाद जिहड़ी दूसरी गल है जिवें सरकार कैप्टन सरकार कहिंदी है वी खरीद दी गल है उहदे लई भी उन्होंने गल कही है भी कैप्टन सरकार नूं हुण विच नहीं पैना चाहिए क्योंकि टाकरा सीधा किसानों का केंद्र सरकार का बनिया हुआ तो यह सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने काफ़ी गौर करन वालियां ने इस वेले सरकार जिहड़ियां वादे कर चुकी है मीटिंग दे विच उस तों भी पलट रही है जिहड़े बिजली वाला बिल है या जिहड़ा पराली वाला बिल सीगा उहनूं भी किते ना किते दुबारा उहदी चर्चा शुरू हो गई है सो यह जिहड़ियां चीज़ां ने रणनीतियां ने सरकारां दीआं चालां जिहड़ियां ने उह सारिया हुण किते ना किते किसानां नूं भी समझ आउंदियां ने आम लोकां नूं भी समझ आउंदियां ने किस तरीके दे नाल सरकारां काम करदियां ने उह भी चीज़ां समझ दे विच आउंदियां रहिंदियां ने कैमरामैन मुकेश दे नाल मैं अनुकड़